लॉकडाउन में बड़ों से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बच्चों पे। बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं। पहले खेलने के लिए बाहर जाते थे, स्कूलों में दोस्त से मिलते थे, पार्क में जाते थे, एक रूटीन लाइफ था। अभी उनके पास कोई रूटीन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, उनमें काफ़ी चिड़चिड़ापन आ गया है। फिजिकली भी वो बहुत फिट नहीं है, क्योंकि कोई डिसिप्लिन और रूटीन उनके पास नहीं रह गया है। जब मन आता है सो जाते हैं, जब मन आता है पढ़ते हैं। तो जब एक रूटीन में नहीं होते हैं तो ऐसे में उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप भी जो होते हैं वो भी अभी फ्रस्ट्रेशन में चल रहते हैं। ऐसे में बच्चों को भी हर बात पे डांटना डपटना, और बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ऑनलाइन मैं उनका सोल्यूशन भी करती हूँ, और बच्चों के बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि जब मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो मेरे को मोबाइल दे दिए जाती है, और जब मैं गेम खेलना चाहता हूँ तो मम्मी मुझसे छीन लेती है, मेरी बात नहीं मानती है, मुझे दोस्तों से बात नहीं करने देती है, मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ तो गुस्सा तो आना ही है। मम्मी पापा की भी अलग शिकायत होती है, उनका कहना है कि पहले से बच्चे का तो रूटीन तो गड़बड़ हो ही गया है, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देता है, काफ़ी देर तक सोया रहता है, सुबह उठता नहीं है, जब भी कुछ बोलो तो रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इस पे हम लोग नियंत्रण करें, ताकि बच्चों का मेंटल हेल्थ भी सही रहे और लॉकडाउन का पालन भी हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी माँ पिता भी फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, ऐसे में वो अपना सारा गुस्सा बच्चों पर उतार देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और नतीजा होता है कि वो और भी गुस्सा दिखाते हैं। फ्रस्ट्रेशन तो दिखाना ही दिखाना है। उनके मेंटल हेल्थ पे इसका जो असर पड़ा है, उसके लिए हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, खास करके अभिभावकों को। उनकी मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब जैसे अपना फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे पे ना निकालें, एक रूटीन बनाए, ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को हमेशा डांटे या फटकारें, लेकिन एक डिसिप्लिन एक रूटीन दोनों मेंटेन करना है, ताकि बच्चे का एक टाइम बना दिया जाए, टाइम मैनेजमेंट। और ये तब संभव होगा जब भी अभिभावक भी अपने आप को एक रूटीन में लाएंगे। हर दिन उनको एक्सरसाइज कराना, बच्चों की खुशी के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, अगर वो बाहर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम उनके लिए कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए, जैसे सैटरडे संडे को उनके लिए कोई घर में ही कोई पिकनिक मना दें, कोई अच्छी मूवी उन लोगों के लिए लगा दें। ऐसा ना कि सारा दिन अपने आराम के लिए या बच्चों को हाथ में मोबाइल दे के और गेम खेलने के छोड़ दें, इससे बच्चे का रूटीन ख़राब हो जाता है और मेंटल हेल्थ पे उनका असर करता है। खाने पीने के लिए भी जो मांगे वो देते जाओ, या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, इसका भी उन पे बुरा असर पड़ता है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन खुद अभिभावकों को, चाहे कितनी भी परेशानी हो लॉकडाउन में, खुद के रूटीन को भी ठीक करना है, और बच्चे को भी। जैसे वो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, या क्या नहीं समझा नहीं समझा, पर माँ पिता कितने भी अगर बिजी हो, व्यस्त हो, उसमें थोड़ा समय निकाल के बच्चे को देखें कि उन्होंने आज का वो असाइनमेंट को कंप्लीट किया या नहीं, भले ही उन्हें पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इससे बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, और कभी कभी बच्चों को थोड़ा फ्री भी छोड़ें। अगर वो अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने दें, हमेशा उनके सिर के पीछे ना पड़ा रहें। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर में एक प्रेशर आ जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, कभी स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम उनको कोई भी इस तरह का सजेशन नहीं देते हैं कि कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखा जाए। तो एक एक्सरसाइज करना है, और बच्चे को हमेशा इस बात के लिए कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करें, ज़मीन में बैठ के करें, बिछावन पर बैठ के हमेशा टीवी देखना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें हम जब करने लगेंगे तो बच्चे के अंदर देखेंगे कि अच्छा मोटिवेशन आएगा, और
मम्मी पापा को भी चाहिए कि बच्चों से बैठ के बात करें, कुछ उनकी क्या खाना चाहते हैं, और घर के कामों में भी उनको शामिल करें। जैसे अपने बिछावन को ठीक कर सकते हैं, कुछ खाने का अच्छा बनाना चाहते हैं, तो लड़के या लड़कियां दोनों को आप कुछ किचन में ले जाइए, कुछ बनाने के लिए उसको मोटिवेट कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो उसको बहुत एनर्जी फील होता है, वो अच्छा फील करता है। इससे वो व्यस्त भी रहेगा और उसका दिमाग हमेशा नेगेटिव नहीं सोचेगा, और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी और अपना इम्पोर्टेंस फील करेगा। और जब वो अपना इम्पोर्टेंस फील करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका मेंटल हेल्थ इससे बहुत प्रभावित होगा और वो बहुत गुस्सा कम होगा, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा रिलेशन होगा, दोस्तों के साथ भी कभी कभार बात करने से वो रिलैक्स हो जाए, और घर में ही कैरम खेलना, अपने बगीचे में बच्चों को फूल लगाने के लिए मोटिवेट करना है, पानी डालने के लिए पौधे में, ताकि उसके अंदर एक एनर्जी आए। और एक फिक्स कर दें पढ़ने का समय और खाने और सोने का समय, ताकि बच्चा एक रूटीन में आए, क्योंकि रूटीन ना होने से उसके अंदर खाने पीने का भी रूटीन गड़बड़ा जाता है। एक्सरसाइज को एक पार्ट बनाइए, हर दिन मेडिटेशन खुद भी कीजिए और बच्चों को भी कीजिए, कभी डांस के लिए अपने आप भी डांस कीजिए और बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए, तो इससे मेंटल हेल्थ उसका स्ट्रॉन्ग होगा। और बच्चे इस लॉकडाउन का मतलब चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, एंजॉय भी करेंगे और लॉकडाउन का पालन भी हो जाएगा।